नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूँ साई अंजलि, आपकी टैरो कार्ड रीडर, और मैं लेकर आई हूँ आपका नवंबर 2016 का टैरो साप्ताहिक भविष्यफल। मैं बताऊंगी यह वीक आपके लिए कैसा रहेगा फाइनेंस, हेल्थ, ट्रैवल और रिलेशनशिप्स में। तो चलें आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भविष्य की कहानी टैरो की जुबानी। टैरो के सफर में हमारी पहली राशि है एरीज, मेष राशि। चले देखते हैं यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए इन तीन कार्ड्स के जरिए। प्रोफेशनल फ्रंट पर मेष राशि वाले जातकों, नाराज और मायूस न होना कभी, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और रुई है, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। नाम ना भी हुआ पर दिस वीक आपका काम जरूर होगा। व्यापार में आप नई तकनीक, हुनर, मशीनरी या तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंस संबंधी काम पूरे होंगे, रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। आपकी नॉलेज, अनुभव और एक्सलेंट प्लानिंग जरूर आपको कामयाबी के शिखर तक ले ही जाएगी, तो नाम होना ज्यादा दूर तो नहीं। हेल्थ एरिया में स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, खान पान पर नियंत्रण रखें। ट्रैवल एरिया में ओवरसीज बिजनेस ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर मेष राशि वाले जातकों, फर्क शब्दों का है पर गौर करें, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। जो लोग मन से उतरते हैं उनसे आप संभल कर रहिए, आप इशारा तो समझ गए होंगे, इतना ही काफी है। आपका लकी कलर है रेड। और टैरो टिप आपके लिए, अगर पति का पत्नी के प्रति प्यार कम हो गया हो, कलेश हो, तो पत्नी को अपने शयन कक्ष बेडरूम में 100 ग्राम सौंफ सुबह नहाने के बाद लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। ऐसा 15 दिन में एक बार करें, आपसी कलेश दूर होगा और आपसी प्यार डबल होगा। चलें चर्चा करते हैं टॉरस, वृषभ राशि के बारे में। चले देखते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से तीन चारों कार्ड निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर वृषभ राशि वाले जातकों, चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। और इस वीक आप कार्य में रुके नहीं, चाहे पार्टनर्स अनकोऑपरेटिव हो या प्लान्स डिले हो, आप चलते रहिए। इस वीक अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो हैं बिजनेस और बिजनेस रिलेशनशिप्स में। यह सप्ताह संयम बरते अपने व्यवहार में और वाणी में। एक टिप आपके लिए, आपकी वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायता करेगी, शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी। आपकी स्लो एंड स्टेडी अप्रोच और कड़ी मेहनत जरूर सफलता प्रदान करेगी ही। सिर्फ याद रखें, जहां मूर्ख होते हैं वहां विवाद होते हैं, और जहां समझदार के साथ हो तो संवाद होते हैं। हेल्थ एरिया में हेडेक्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर वृषभ राशि वाले जातकों, दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपुति इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। और यह क्वालिटी आप में है, और आप अपने रिश्तों में अपने बारे सोचे बगैर दूसरों का भला करते हो। कीप इट अप टॉरियंस, गुड डीड्स का आपका काउंट बढ़ता जा रहा है। आपका लकी कलर है पीच। और टैरो टिप आपके लिए, डर व बुरे सपने दूर करने के लिए सोने से पहले एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर तकिए के नीचे रखें, अज्ञात भय से मुक्ति मिलेगी और सुख शांति भी बढ़ेगी। टैरो के रहस्यमय सफर में हमारी अगली राशि है जेमिनी, मिथुन राशि। चले देखते हैं यह सप्ताह कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन तीन टैरो कार्ड्स के जरिए।
प्रोफेशनल फ्रंट पर मिथुन राशि वाले जातकों, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करते हैं। यह वीक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का टफ टेस्ट होगा। लीगल मैटर्स में डिले है, कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जिसे दिस वीक आपको अर्जेंटली रिसॉल्व करना ही पड़ेगा। दुविधा में उलझा हुआ आपका मन इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेने में असमर्थ रहेगा। मन को शांत रखें, दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने और मिलने के लिए लोग मिन्नत करें। ट्रैवल एरिया में कोई धार्मिक स्थल की यात्रा के प्लान्स बन रहे हैं। हेल्थ एरिया में बैक पेन होने की संभावना है और आप मेंटल स्ट्रेस प्लीज कम करें। इमोशनल फ्रंट पर मिथुन राशि वाले जातकों, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए परेशान रहता है, बच्चा वर्तमान में जीता है इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है। वर्तमान में जिए, सदैव प्रसन्न रहें, अपने अंदर का बच्चा जगाइए। आपका लकी कलर है येलो और टैरो टिप आपके लिए, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो पर्स में या वॉलेट में 5 हरी इलायची जरूर रखें। चले चर्चा करते हैं कैंसर कर्क राशि के बारे में। देखते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वीक कौन से 3 कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर कर्क राशि वाले जातकों, परेड में अबाउट टर्न बोलते हैं, पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करें, पता नहीं कब जिंदगी अबाउट टर्न बोल दे। वाणी और गुस्से पे थोड़ा संयम रखें दिस वीक। पैसों की लेन देन में सतर्कता बरतें। कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू बिजनेस, न्यू एंटरप्राइज, आपके नए स्रोत बनेंगे ही। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय सामान्य रहेगा, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जोखिम उठाने से बचें, यह वीक तो आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि वालों, यह वीक आप रिस्क फ्री रहे और अबाउट टर्न के बारे में ध्यान रखें। हेल्थ एरिया में कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। ट्रैवल एरिया में डेफिनेटली बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर कर्क राशि वाले जातकों, अक्सर कहा जाता है कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं पत्नी परिवार की गर्दन होती है और गर्दन जिधर मुड़ेगी हेड को तो उधर ही मुड़ना है। तो इस वीक सुखी रहने के लिए बैलेंस बनाए, ना गर्दन आकड़े और न ही सिर ज्यादा मोड़े। आपका लकी कलर है ब्लू और टैरो टिप आपके लिए, घर के मुख्य द्वार के आसपास कांटेदार पौधा न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है। टैरो के सफर में हमारी अगली राशि है लियो, सिंह राशि। चले देखते हैं क्या है खास यह सप्ताह सिंह राशि वाले जातकों के लिए इन 3 टैरो कार्ड्स के जरिए। प्रोफेशनल फ्रंट पर सिंह राशि वाले जातकों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं और इस वीक आपकी सच्ची लगन और दृढ़ इरादे आपको सफलता दिलाएंगे। आपको कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान मिलेगा जो काफी समय से टफ लग रही थी। आप अपने से कर्मियों को अपने व्यू पॉइंट समझाने और अग्री करने में सफल होंगे। नौकरी व्यवसाय आपके लिए अनुकूल रहेगा, निवेश करने के लिए समय उत्तम है। हेल्थ एरिया में हेडेक्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में फैमिली के साथ हॉलिडे प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर सिंह राशि वाले जातकों, रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय एहसास से ही बनते और निभाए जाते हैं, जो कि दिस वीक आप बखूबी बनाएंगे और निभाएंगे।
आपका लकी कलर है रेड और चारों चिप आपके लिए घर के किसी कोने में 7-8 दाने काली मिर्च के दिए में डाल के जला दें। नकारात्मक ऊर्जा तो खत्म हो जाएगी और समस्याओं के समाधान भी मिल जाएंगे। टैरो के रहस्यमय सफर में हमारी अगली राशि है वर्गो, कन्या राशि। चले देखते हैं यह सप्ताह कैसा रहेगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए इन 3 टैरो कार्ड्स के जरिए। प्रोफेशनल फ्रंट पर कन्या राशि वाले जातकों, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती और इस वीक आपने रास्ता ढूंढ लिया है और अब रुके हुए कामकाज पूरे होंगे। अगर इस वीक कोई इंटरव्यू या एग्जाम है तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी सोच और नजरिया बदलें, तभी नजारे बदल जाएंगे। मनी अक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन डेफिनेटली है दिस वीक। डेफिनेटली मनी इनफ्लो है अन्य स्रोतों से, लेकिन आप माइजर या कंजूस ना बने, दिल बड़ा रखें, तभी तो बरकत आएगी और बढ़ेगी। हेल्थ एरिया में बीपी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर कन्या राशि वाले जातकों, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि सच्ची मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है, तो जीवन भर लो इन मुस्कुराहटों से। आपका लकी कलर है पिंक और टैरो टिप आपके लिए, शनिवार को शाम के समय घर में गुगुल की धूप जलाएं, इससे वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से निवारण मिलता है। टैरो के सुहाने सफर में हमारी अगली राशि है लिब्रा, तुला राशि। चले देखते हैं तुला राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से 3 टैरो कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर तुला राशि वाले जातकों, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा, जो इस सप्ताह का सही डिस्क्रिप्शन करता है। प्रगति अवश्य है आपके टीम वर्क और प्लानिंग के कारण। यह वीक अब सही है सिचुएशन चेंज लाने के लिए और समाधान खोज निकालने के लिए। आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप सुपर्ब है, स्टेबिलिटी और ट्रस्ट है। धन लाभ तो अवश्य है ही, भूमि भवन खरीदने के योग है। यह वीक नौकरी पेशा वर्ग और बिजनेस वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। हेल्थ एरिया में पैरों में दर्द होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में लेजर ट्रिप ओवरसीज के प्लान्स बन रहे हैं फैमिली के साथ। इमोशनल फ्रंट पर तुला राशि वाले जातकों, कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, जैसे कि आप, और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। गौर करें, जलो वहां जहां जरूरी हो, उजालों में चिराग के मायने नहीं होते। आपका लकी कलर है ऑरेंज और टैरो टिप आपके लिए, अगर बदन दर्द आपको सता रहा है तो दोनों पैरों के बड़े अंगूठों पर सफेद धागा बांधे, आपको दर्द से जरूर राहत मिलेगी। चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि के बारे में। चले देखते हैं क्या है खास इस वीक स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इन 3 टैरो कार्ड्स के जरिए। प्रोफेशनल फ्रंट पर वृश्चिक राशि वाले जातकों, असफलताएं, संघर्ष, तकलीफें ऊपर वाले के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का हिस्सा है, उसमें हिस्सा लो न कि उससे दूर भागो। यह वीक आप अपने डर को आप पर हावी न होने दें। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड होप ने आपको कमजोर बना दिया है। याद रखें, जिसके मन में भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इस वीक किस्मत का आपको साथ जरूर मिलेगा। कामकाज में आने वाली दिक्कतें रुकावटें क्लियर होंगी। नौकरी पेशा वर्ग को मान सम्मान और वर्क रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस पीपल जिस प्रोजेक्ट पे आप कुछ समय से मेहनत कर रहे थे वे अब सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे। अपने मन से डर हटा दें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही बदलाव आपके जीवन में आएगा। चेक करें।
हेल्थ एरिया में इंसोम्निया नींद की कमी सता सकती है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस रिलेटेड ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर वृश्चिक राशि वाले जातकों, जरा संभाल कर रखिएगा इन्हें, रिश्ते हैं कपड़े नहीं कि रफू हो जाएं। तमीज, तहजीब, अदब जिंदगी में बोलता है। लाभ छुपा इंसान पर शख्सियत निशान छोड़ती है। आपका लकी कलर है ग्रीन और टैरो टिप आपके लिए सफलता में बाधा या रुकावटें दूर करने के लिए। सैटरडे शुक्रवार के दिन काली उड़द की दाल गरीबों को दान करें। चलिए चर्चा करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि के बारे में। देखते हैं क्या है खास यह सप्ताह धनु राशि वाले जातकों के लिए इन तीन टैरो कार्ड्स के जरिए। प्रोफेशनल फ्रंट पर धनु राशि वाले जातकों, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत। जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। और इस वीक मुसीबतें तो हैं ही और शख्सियत भी निखरेगी। इस वीक मेहनत भागदौड़ खूब करनी पड़ेगी। आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें। आप अपनी सुपर प्लानिंग से सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ ही लेंगे। दिस वीक नौकरी पेशा पर अपने प्रॉब्लम्स की सलूशन ढूंढ लेंगे और आपको फायदा होगा। जल्द ही तरक्की के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय के लिए भी यह वीक लाभकारी सिद्ध होगा। हेल्थ एरिया में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, नहीं तो सीजनल फीवर होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस प्लान्स बने थे लेकिन अब पोस्टपोन्ड हैं। इमोशनल फ्रंट पर धनु राशि वाले जातकों, गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। हमारे दुखों का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि हम केवल बाहर से ही धार्मिक बने हुए हैं, अंदर से नहीं। चले चेक करें इस बात को। आपका लकी कलर है पर्पल और टैरो टिप आपके लिए, घर में प्रवेश करते समय दरवाजे के सामने टूटी कुर्सी, सोफा या कोई ब्रोकन फर्नीचर पीसेस ना रखें। घर के सदस्यों में वाद विवाद बढ़ेगा और अशांति का वातावरण रहेगा। टैरो के रहस्यमय सफर में हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न मकर। चले देखते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा इन तीन टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर मकर राशि वाले जातकों, मेहनत, हिम्मत, लगन से कल्पना साकार होती है और इस वीक मेहनत और लगन में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। आपकी लैक ऑफ कमिटमेंट और एफर्ट्स में डेफिनेटली लैक ऑफ क्वालिटी वर्क हो रहा है। बकअप कैप्रिकॉर्नियंस, प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है दिस वीक, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में बहुत सोच विचार के बाद डिसीशन ले। नौकरी पेशा पर इस वीक शुभ समाचार प्राप्त होगा। पैतृक व्यवसाय करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। टाइम बेस्ट है न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए। हो सकता है इस वीक आप पास्ट करियर की तरफ रिटर्न हो सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और एक टिप, ट्यूसडे के दिन ना पैसा दें या कर्ज दें किसी को। और मिड वीकेंड की तरफ डेफिनेटली लाइफस्टाइल और थिंकिंग में चेंज फॉर द बेटर होगा ही। हेल्थ एरिया में पेट संबंधित परेशानियां होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर मकर राशि वाले जातकों, लकीरें भी बहुत अजीब होती हैं। माथे पे खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बना देती हैं। सही कहा ना। आपका लकी कलर है ब्लू और टैरो टिप आपके लिए, कौड़ियां माँ लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं। इन्हें केसर और हल्दी से रंग कर लाल चमकीले कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से अवश्य धन वर्षा होगी। टैरो के सुहाने सफर में हमारी अगली राशि है अक्वेरियस, कुंभ राशि। चले देखते हैं क्या है खास यह सप्ताह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इन तीन टैरो कार्ड्स के जरिए। प्रोफेशनल फ्रंट पर कुंभ राशि वाले जातकों, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है
और आसान करने के लिए समझना पड़ता है और इस वीक आपकी समझ और सोच काबिले तारीफ है, जिसके कारण इस सप्ताह आप सभी अधूरे और रुके हुए काम निपटा लेंगे। पुराने निवेश से दिस वीक फायदा होने की चांसेस है। आपका सामाजिक और प्रोफेशनल दायरा बहुत बढ़ेगा और यह लाभदायक सिद्ध होगा। नए लोगों से और नई जगहों से आपकी व्यवसाय या नौकरी में सफलता जरूर होगी। सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं आप एक्वेरियंस, कीप इट अप। हेल्थ एरिया में सीजनल कॉफ एंड कोल्ड्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस कम फैमिली ट्रिप ओवरसीज के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर कुंभ राशि वाले जातकों, ठुकरा दे कोई तो दिल टूट जाता है, टूट जाती हैं उम्मीदें जब कोई अपना समझ नहीं पाता है। सच कहते हैं दुनिया वाले, इंसान सबसे जीत कर अंत में अपनों से हार जाता है और यही हार तो असल में जीत होती है, सही कहा ना। और आपका लकी कलर है रॉयल ब्लू और टैरो टिप आपके लिए, यह उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिन व्यक्तियों की विवाह की उम्र हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने से बाधा आ रही है। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार की रात्रि में आठ छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। विश्वास से करें, वेडिंग बेल्स जरूर सुनाई देंगी। टैरो के सफर में हमारी अगली राशि है पाइसेस, मीन राशि। चले देखते हैं मीन राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से तीन टैरो कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर मीन राशि वाले जातकों, हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। आप डरे नहीं मुश्किलों को देखकर मीन राशि वाले जातकों, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है, जैसे कि इस वीक हो रहा है। बिजनेस में कुछ सौदे फायदेमंद रहेंगे, कोई न्यू ऑफर या अपॉर्चुनिटीज पेश होंगी जिसे आप शुरू करने की कोशिश में लग जाएंगे। अगर कोई डिलेइंग या डिसअपॉइंटिंग न्यूज मिले तो आप चिंता ना करें, निराश ना हो, यह टेम्पररी फेज है। इस वीक वाद विवाद से बचे, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वाणी और गुस्से पर संयम रखें। मिड वीक तक आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी से सफलता का सूरज आगे ले ही आएंगे। हेल्थ एरिया में डेंटल प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस रिलेटेड ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर मीन राशि वाले जातकों, सभी दुखों और सुखों का कारण मन है। जब मन की बात सुनना बंद कर आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर दें तो दुख और सुख का अनुभव होना खत्म हो जाएगा। कोशिश तो करें और फिर इमोशनल फ्रंट पर आनंद ही आनंद होगा। आपका लकी कलर है ब्राउन और टैरो टिप आपके लिए, काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शनिवार के दिन तिल से बने पदार्थ गरीब को दान दे, बाधाएं दूर होंगी जरूर। अ फ्यू लाइंस आपके लिए ऑन टैरो टोस्ट टाइम। व्यूअर्स, जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह दो लाइन याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। जो लाजवाब है उसे संभाल कर रखिए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे फिर सेम टाइम नेक्स्ट वीक ऑन टैरो टाइम्स विद साई अंजलि।